अभी तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ा है, जिसके थ्रू हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल यहां पे आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लुईस स्ट्रक्चर लिखे NH3 का, तो आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन एक टर्मिनल एटम है तो किनारे में होगा और नाइट्रोजन को मजबूरन सेंटर में होना होगा। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग में भाग लिया, 1, 2, 3, तो बाकी 2 बच गया इस तरह से, ठीक है। अगर हम बात करें लुईस स्ट्रक्चर ऑफ BrF5 का, तो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन जो होता है टर्मिनल में होता है, तो इस तरह से होगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का बॉन्डिंग में भाग ले चुका है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास बैलेंस, तो ब्रोमीन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आएगा। तो लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी से आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के टर्म में अरेंजमेंट पता चलता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड पेयर के रूप में होगा और कितना लोन पेयर के रूप में होगा। लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा इसमें कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड पेयर है एंड लोन पेयर है, इन सब के बीच का एंगल क्या होगा, बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल क्या होगा, ये सभी चीजें हमने नहीं बताया है, ठीक है। बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल का मतलब है कि रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड एंगल है, कितना रिलेटिव ओरिएंटेशन है, मतलब एक और दूसरे के बीच में कितना गैप है, ये सब पता नहीं चलता है लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी से। लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर या स्पेस, ठीक है। तो इसी रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जानने के लिए हम लोग VSEPR मॉडल पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि लुईस स्ट्रक्चर मॉडल टेल्स अबाउट अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, लुईस स्ट्रक्चर मॉडल टेल्स अबाउट अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बट it doesn't give any information about relative orientations between bond pair and lone pair electrons, बॉन्ड पेयर के बीच में कितना ओरिएंटेशन होगा, कितना एंगल होगा, इन सब के बारे में जानकारी नहीं देता। इट डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द रिलेटिव ओरिएंटेशन between bond pair of electrons, give information about geometrical structure and shape
ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द स्पेसेस, ज्योमेट्रिकल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसेस। ठीक है, हमने यही बताया आपको कि लुईस स्ट्रक्चर मॉडल ये बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड पे है और कितना लोन पेयर के रूप में होगा, लेकिन ये बताने में फेल कर जाता है कि रिलेटिव ऑरिएंटेशन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कितना होगा। इस रिलेटिव ऑरिएंटेशन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिलेटिव ऑरिएंटेशन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर से हम लोग को ज्योमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर पता चलता है। अब ज्योमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर पता चलता है, इस ज्योमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आपको अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि बताइए कौन आइसो स्ट्रक्चरल है, दे देगा चार स्पेसिस कौन आइसो स्ट्रक्चरल है, NH3 का क्या शेप होगा, BrF5 का क्या शेप होगा, ये सब पूछा हुआ सवाल है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ज्योमेट्रिकल शेप एंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए, जिसको कि हम लोग DSEPR मॉडल से पता कर पाएंगे, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी फेल करता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर है, लिखो द रिलेटिव ऑरिएंटेशन, द रिलेटिव ऑरिएंटेशन। ठीक है, कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल शेप एंड स्ट्रक्चर इज गिवन बाय, ज्योमेट्रिकल शेप एंड स्ट्रक्चर इज गिवन बाय VSEPR मॉडल, VSEPR मॉडल। ज्योमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर जो होगा, कहने का मतलब जो रिलेटिव ऑरिएंटेशन होता है स्पेस में एंगल्स का, बॉन्ड एंगल मतलब जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका, वो VSEPR मॉडल से दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या अभी बताया। लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी से सिर्फ आपको अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना कितना एंगल पे है। इसी जानकारी को VSEPR मॉडल देता है, जिससे कि हम लोग को ज्योमेट्रिकल शेप एंड स्ट्रक्चर पता चलता है किसी भी स्पेसिस का। अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं VSEPR मॉडल है क्या। देखिए VSEPR मॉडल, इसका फुल फॉर्म है, जैसा कि फुल फॉर्म इसका है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, रिपल्सन मॉडल, VSEPR मॉडल। अब देखिए VSEPR मॉडल ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल वही अपना स्ट्रक्चर या शेप रखेगा जिसमें वैलेंस सेल के बीच में रिपल्सन कम से कम, कोई भी मॉलिक्यूल अपना वही स्ट्रक्चर रखेगा जिसमें कि वैलेंस सेल के बीच में रिपल्सन कम से कम हो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम से कम हो, अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा, मिनिमम होगा, तो उसका एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज एनर्जी रिपल्सिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी का मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रूल बहुत सिंपल है, रूल यही है कि कोई भी मॉलिक्यूल या स्पेसिस ऐसा शेप रखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रखेगा ताकि उसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मिनिमम, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR मॉडल, अकॉर्डिंग टू VSEPR मॉडल, एनी स्पेसिस हैव
या कीप एनी स्पेसिस हैव दैट स्ट्रक्चर और सी इन विच दैट स्ट्रक्चर एंड से थोड़ा अंतर होता है, स्ट्रक्चर और शेप में थोड़ा अंतर होता है, जो लोग आगे पढ़े दैट स्ट्रक्चर एंड शेप इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। कोई भी स्पेसिस वैसा ही स्ट्रक्चर रखेगा जिसमें वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, सो दैट ताकि सो दैट स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस बिकम्स मैक्सिमम। ऐसा इसलिए होगा ताकि स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। यही VACPR मॉडल है। VACPR मॉडल यही कहता है कि कोई भी स्पेसिस ऐसा ही स्ट्रक्चर और शेप रखेगा जिसमें कि वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मिनिमम हो, सो दैट स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, यही आपका पूरा सोचने का तरीका हो, यही पूरा थ्योरी है VACPR मॉडल का कि आपको वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन मिनिमम करना है और ताकि आप स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस को मैक्सिमम कर सको। अब देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दो तरह का होता है, आप जानते हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टाइप, तो गौर कीजिएगा इससे कि आपको ये पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में तीन तरह का रिपल्सन जनरेट हो सकता है। कैसे, देखिए, सो देयर आर थ्री पॉसिबल टाइप ऑफ रिपल्सन। सो देयर आर थ्री पॉसिबल टाइप ऑफ रिपल्सन। पहला है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। पहला है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करे। दूसरा होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, और तीसरा होगा लोन पेयर रिपल्सन। ये तीन पॉसिबिलिटी है, तीन तरह का रिपल्सन जनरेट हो सकता है स्ट्रक्चर में, वो यही तीन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन और लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, अब अगर हम गौर करें कि कौन ज्यादा होगा रिपल्सन इसमें, तो ऑर्डर ऑफ जो स्ट्रेंथ होता है, रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे मतलब कम, बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब बात इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की करें, एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं, देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेस में ज्यादा डिफ्यूज होता है, मतलब ज्यादा फैला हुआ होता है, बिकॉज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से बाउंड होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका दे रहे हैं, जो इस ऑर्डर लिखे हैं उसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
आर मोर डिफ्यूज इन अ स्पेस, आर मोर डिफ्यूज इन अ स्पेस बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डिफ्यूज इन अ स्पेस, स्पेस में ज्यादा डिफ्यूज होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों? बिकॉज इट इज अटैच टू, इट इज अटैच टू ओनली वन न्यूक्लियाई, वन न्यूक्लियाई, एंड हेंस रिपल्सन बिटवीन देम, रिपल्सन बिटवीन देम इज मैक्सिमम. तो देखिए, अगर एक जो है ए है और बी है, मान लिया हम ए ही रखते हैं, ए रखते हैं, ठीक है, इस पे लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर इस तरह से है, लोन पेयर को हमने दिखाया, लोन पेयर दो लोन पेयर हमने 120 डिग्री एंगल पे दिखाया लगभग, दो लोन पेयर हमने 120 डिग्री एंगल पे दिखाया. अब इस तरह से हम दो बॉन्ड पेयर भी दिखाते हैं 120 डिग्री एंगल पे, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो होगा इधर भी अटैच होता है न्यूक्लियस से और इधर भी अटैच होता है न्यूक्लियस से, दोनों तरफ ये न्यूक्लियस से अटैच है, इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होगा. आप देख सकते हो कि चूंकि दोनों साइड इधर भी न्यूक्लियस उसको बाउंड किए हुए हैं, इधर भी न्यूक्लियस बाउंड किए हुए, इसलिए स्पेस में डिफ्यूज वो कम होगा या स्पेस में ज्यादा डिफ्यूज होगा. तो ये आपको साफ दिखेगा कि रिपल्सन क्या होगा, यहां पर कम होगा, मोर रिपल्सन, आपको साफ दिखेगा लेस रिपल्सन. ज्यादा अगर डिफ्यूज है, ज्यादा अगर फैला हुआ है, डिफ्यूज होता है फैला हुआ है, ज्यादा अगर डिफ्यूज है तो क्या होगा, मतलब किसी खास एंगल पे अगर आप रखते हो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजदीक आने के कारण क्या होगा, इस पर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, इस पर रिपल्सन कम होगा. बहुत आसान है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्यूज होता है बिकॉज वो एक ही तरफ न्यूक्लियस से अटैच है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेस डिफ्यूज है बिकॉज दोनों तरफ न्यूक्लियस से अटैच है, ए का भी न्यूक्लियस और सी का भी न्यूक्लियस दोनों बाउंड किए होगा इस लोन पेयर, इस बॉन्ड पेयर को, ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस दोनों बाउंड किए होगा इस बॉन्ड पेयर को. तो गौर यही करना है कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. ओके, हमने ये देख लिया कि रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर के बीच का, इसलिए अगर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन घटाना हो तो पहले आप लोन पेयर रिपल्सन को घटाओगे, ठीक है. अल्टीमेटली आपको यही सोचना है VACPR मॉडल में कि किस तरह से आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कहने का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का जो रिपल्सन है उसको मिनिमाइज करोगे, क्या एंगल मैक्सिमम हम रख सकते हैं ताकि रिपल्सन कम से कम जनरेट हो, यही वे ऑफ थिंकिंग होता है VACPR मॉडल में टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड शेप. अब देखिए, स्ट्रक्चर और शेप में एक बेसिक अंतर है, स्ट्रक्चर और शेप में एक बेसिक अंतर, स्ट्रक्चर और शेप में बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं. स्ट्रक्चर जो होता है वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों से डिटरमाइन होता है. किसी भी स्पेसिस का अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हो तो उसमें बॉन्ड पेयर भी काउंट करोगे और लोन पेयर भी काउंट करोगे, जबकि अगर हम शेप की बात करें तो वो सिंपली बॉन्ड पेयर से ही काउंट होगा, ठीक है. इस बात को नोट पर करके लिख लेंगे हम लोग कि फॉर एनी स्पेसिस, किसी भी स्पेसिस के लिए स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय
स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाई बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाई बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट ज्योमेट्रिकल शेप इज डिटरमाइंड बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा वो सिंपली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइंड होगा. गौर कीजिएगा, अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को देखना होता है. जब आपको शेप लिखना है, ज्योमेट्रिकल शेप लिखना हो किसी भी स्पेसिस का, किसी भी मॉलिक्यूल का, तो सिंपली आपको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपको देखना होता है. ठीक है, अब देखिए हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल का क्या होगा शेप, क्या होगा स्ट्रक्चर. अब देखिए ज्योमेट्रिकल शेप और स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. मॉलिक्यूल कहो या स्पेसिस कहो, आयन भी हो सकता है यहां पे. तो मॉलिक्यूल या स्पेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पार्ट तो होगा ऐसा जिसमें कि सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम नोट टर्म टर्मिनल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो. सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो. और दूसरा होता है सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों. ठीक है, तो दो तरह का मॉलिक्यूल होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसेस पॉसिबल. दो तरह का स्पेसेस हो सकता है. पहला स्पेसेस हम लिखते हैं कि स्पेसेस विथ, स्पेसेस या मॉलिक्यूल जो भी लिख चुका, स्पेसेस विथ ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम पर सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और दूसरा केस हो सकता है स्पेसेस विथ, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्पेसेस विथ बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्पेसेस विथ बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों. तो ये दो पॉसिबिलिटी है, दो केस हो सकता है. एक स्पेसिस ऐसा जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सिर्फ सेंट्रल एटम के पास, और दूसरा एक ऐसा स्पेसिस जिसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो सेंट्रल एटम के पास. तो सबसे पहले हम लोग केस वन को स्टडी करेंगे. ऐसे स्पेसिस को स्टडी करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड शेप, जिसमें कि सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सेंट्रल एटम के पास. तो हम लोग इस केस को स्टडी करेंगे सबसे पहले. हम देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ स्पेसेस विथ ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट सेंट्रल एटम. हम लोग ऐसे स्पेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल एटम के पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं. अब देखिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेंट्रल एटम के पास है तो इस केस में हम लोग को अगर ज्योमेट्रिकल शेप या स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होगा तो दोनों बॉन्ड पेयर से डिटरमाइन होगा. लोन पेयर तो है ही नहीं. जब लोन पेयर रहेगा तब ना आप स्ट्रक्चर के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करोगे. लेकिन यहां तो लोन पेयर है ही नहीं, तो स्ट्रक्चर के लिए आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर ही देखना होगा क्योंकि लोन पेयर है नहीं. और शेप तो आप देखते ही हो
सिर्फ बॉन्ड पेयर है, मतलब इस केस में क्या होगा, शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। इन दिस केस बोथ अ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द स्पेसेस इज डिटरमाइंड बाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस फॉर सच स्पेसेस क्या होगा, इस तरह के स्पेसेस के लिए shape and structure are identical, दोनों सेम होगा, स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होगा इस तरह के स्पेसेस के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बारी बारी से ये आप समझ गए होंगे कि सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां पर सेंट्रल एटम के पास, जिसके कारण से शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर से ही डिटरमाइन होगा। जब दोनों सेमिक फैक्टर से डिटरमाइन होगा है तो दोनों जो आएगा शेप और स्ट्रक्चर, वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो यह समझ गए होंगे। अब हम लोग बारी बारी से अलग अलग केस को स्टडी करते हैं। देयर आर फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला पॉसिबल फॉर सच स्पेसेस, इस तरह के स्पेसेस के लिए जनरल फॉर्मूला ये सब संभव है। पहला केस लिखते हैं हम लोग AB2, वेयर A को हमने क्या किया, A जो है हम सेंट्रल एटम ले रहे हैं, हमेशा याद यही कर रहे हैं हम, और B जो है हम टर्मिनल एटम ले रहे हैं, ठीक है। AB2 से ही शुरुआत करते हैं, वैसे आप AB भी ले सकते हो, AB में कोई डाउट नहीं है, इसलिए आप जैसे कि आप सिंपली क्या करते हो, इसका आप ऐसा कर रखोगे AB रखते हैं, चलिए शुरुआत में AB से ही करते हैं। हालांकि AB बहुत सिंपल है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा BACPR मॉडल का। तो इस तरह से होगा, आप देख सकते हो कि शेप या स्ट्रक्चर इसमें क्या आएगा, शेप और स्ट्रक्चर इसमें दोनों सेम ही होता है, लीनियर होगा, जो आप देख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है यहां पे कुछ VACPR मॉडल लगाने का, एक ही तो बॉन्ड है तो लीनियर होगा। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें, तो एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल होगा ऐसे कि देखिए H2, एग्जांपल H2, देखिए H2 का क्या होगा केस, H सिंपली, और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो आप, एग्जांपल लिखा जा सकता है, H के साथ ही कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए HF, आप H को सेंट्रल एटम की तरह मानो, हालांकि यहां पर सेंट्रल एटम की बात नहीं है, कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं, इसलिए किसी को भी मान सकते हो, तो H जिसके पास बॉन्ड पेयर है सिर्फ, लोन पेयर नहीं, एच ही को लेकर चलो कि ये है आपका। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, मेनली जो BACPR मॉडल का जरूरत पड़ेगा यहां से पड़ेगा, AB2, वेयर फिर वही A जो है क्या है यहां पर, A जो है सेंट्रल एटम है, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे सेंट्रल एटम का कंसेप्ट बनता नहीं है, बिकॉज दोनों जो है टर्मिनल एटम की तरह ही बिहेव करेगा, बिकॉज दो ही एटम, लेकिन यहां पर बनेगा, और B जो है क्या होगा, टर्मिनल एटम। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपके पास दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड इस तरह से है और एक बॉन्ड इस तरह से है, क्या ये सही है, क्या दोनों के बीच में रिपल्सर मिनिमम होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं रह सकते हैं। टू मिनिमाइज रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ AB बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ AB बॉन्ड both AB bonds are kept
एट हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, एट मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, एट मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, एट मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए आपको बॉन्ड एंगल को मैक्सिमम रखना होगा, और दो स्पेसेस, दो बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो बोथ ए बी बॉन्ड्स आर किप्ट एट 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, मतलब आपका जो ए होगा ऐसा होगा, बी और ए जो होगा बी इधर फिर इधर हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल पर रखना होगा। और जब 180 डिग्री एंगल पर रखोगे आप, तो आप देख सकते हो कि आपका जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला गया है, मैक्सिमम एंगल पे रखने के कारण ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला गया है। बात अगर हम शेप और स्ट्रक्चर की करें तो शेप और स्ट्रक्चर लीनियर ही होगा। बॉन्ड एंगल अगर हम बात करें बी ए बी बॉन्ड एंगल का, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आप बात करो इसमें कुछ एग्जांपल का, तो एग्जांपल में इस तरह का लिख सकते हो आप बी सी एल टू, इसका क्या स्ट्रक्चर है, सी एल बी सी एल। और बताइए कुछ एग्जांपल इसका, और देखिए सीओ टू, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इस बात को गौर कीजिएगा यहां पर कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आपका जो स्ट्रक्चर और शेप होता है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप डबल बॉन्ड लो, सिंगल बॉन्ड लो, ट्रिपल बॉन्ड लो, शेप और स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते वक्त सभी जो है, सभी बॉन्ड सेम रोल प्ले करता है। जो रोल प्ले कर रहा होगा सिंगल बॉन्ड, वही रोल प्ले कर रहा होगा मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो आप और भी ले सकते हो, एन टू ओ का केस ले लो, एन एन ट्रिपल बॉन्ड एन ओ, ये हो गया। अगर आप केस ले तो सी एस टू का, तो आपके पास हो जाएगा एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, ठीक है। अगर आप ले लेते हो और भी कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं एस सी एन माइनस का, तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस, ठीक है। सी एनओ माइनस का अगर लेते हो आप, देखोगे क्या आ जाएगा, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन माइनस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, शेप और स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते वक्त सभी का जो फंक्शन होता है, सभी जो है सेम तरीके से बिहेव करता है, सभी का सेम रोल होता है। एक बात ये श्योर है लेकिन कि मल्टीपल बॉन्ड आने पर बॉन्ड एंगल में चेंजेस पॉसिबल है। हालांकि यहां पर बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहां पर फैक्टर जो है, बॉन्ड एंगल जो है एकदम सिमेट्रिक 180 डिग्री एंगल पे है, इसलिए आप कहीं अलग एंगल पे रखने का प्रयास नहीं करोगे। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो वो वही रोल प्ले करेगा जो सिंगल बॉन्ड प्ले करता है, इन जो इन डिटरमिनेशन ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, बट देयर मे बी सम इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, जो हम लोग आगे आएगा केस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट में करके इस बात को हम लोग लिखने लगेंगे कि द लिखोगे इन डिटरमिनेशन ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, इन डिटरमिनेशन ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पीसीज, इन डिटरमिनेशन ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पीसीज क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स प्ले सेम रोल as that of single bonds. Multiple bonds play same role as that of single bond. However,
देयर मे बी चेंजेस पॉसिबल, देयर मे बी चेंजेस पॉसिबल इन बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स में चेंजेस पॉसिबल होगा। ठीक है, ये सिंपल सा केस है, बॉन्ड एंगल में चेंजेस पॉसिबल होगा, हालांकि जो शेप और स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं मानो गया। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, शेप और स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ेगा, इसको क्या हम लोग निगेट करेंगे। बॉन्ड एंगल में सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, जो हम लोग आगे केस आएगा पढ़ेंगे। अब देखिए अगला केस हम लोग पढ़ते हैं, हमने AB2 केस पढ़ा, अब हम लोग AB3 का केस पढ़ते हैं। AB3 दूसरा केस, AB3 फिर वही A जो है आपका सेंट्रल एटम है और B जो है आपका, B जो है आपका टर्मिनल एटम, फिर वही तरह से आप एक्सप्लेन करोगे। मिनिमम रिपल्सन करने के लिए आपको जो तीन एबी बॉन्ड है यहां पर, तीनों को 120 डिग्री एंगल पे रखना होगा टू मिनिमाइज रिपल्सन बिटवीन थ्री एबी बॉन्ड्स, थ्री एबी बॉन्ड्स दे आर केप्ट एट 120 डिग्री एंगल, दे आर केप्ट एट 120 डिग्री एंगल। ठीक है, इस तरह से रखना होगा आपको ए ए बी बी और बी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इन दिस वे। अगर आप ऐसा रखोगे 120 डिग्री एंगल पर रखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर और शेप आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रेंगुलर प्लेनर, एक ट्रेंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप भी यही होगा, क्योंकि आपका बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर यहां पे, लोन पेयर तो है ही नहीं सेंट्रल एटम के पास। बॉन्ड एंगल तो आपको पता ही है कि बी ए बी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंगल है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो आप बताओ, सब लोग लिखोगे बी एक्स थ्री, एग्जांपल एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी रख सकते हो आप, मतलब बोरोन एक्स एक्स एक्स। ठीक है, ये होगा, इवन H3BO3 भी रख सकते हो आप इसी तरह से, बिल्कुल वही तरीका, H3BO3 रखते हो तो आपके पास रहेगा B OH OH और OH, तो ये आपका जो होगा H3BO3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कुछ एग्जांपल लिखना चाहो, देखोगे SO3 अगर आप चाहो तो लिखोगे, SO3 में क्या होगा, तीन डबल बॉन्ड आएगा, कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि जो रोल प्ले करता है सिंगल बॉन्ड, वही रोल प्ले करता है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कुछ और केस, देखिए COCl2, देखिए ये एग्जांपल जो हम लिख रहे हैं वो आप खुद से भी सोच सकते हो, आपको यही करना है कि आपको तीन बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाओ, सिंगल बॉन्ड बनाओ या ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, तीन बॉन्ड बनाना है। तो हमने क्या किया, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को कंसीडर किया, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला बोरोन है और तीन सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहां पर छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को कंसीडर किया और तीन डबल बॉन्ड बना दिया। आप समझ गए होंगे क्या किया हमने, तीन बॉन्ड हमको बनाना था, हमने क्या किया है तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को कंसीडर करके तीन सिंगल बॉन्ड बना दिया। आगे आपका इस तरह का AB3 केस, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को कंसीडर किया सल्फर और हमने बना दिया क्या, तीन डबल बॉन्ड। हमारे से चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को काउंट करते हैं कार्बन को, तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को काउंट करके तीन बॉन्ड बनाना है, तीन डबल बॉन्ड बनाना है,
इसका सीधा मतलब है मतलब तीन बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड, तो आपको एक डबल बॉन्ड बनाना होगा और दो सिंगल बॉन्ड बनाना होगा। कॉमन सेंस की बात है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो कि ऐसा होगा। समझ रहे हो आप? हमने यही किया कि आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी मदद से आपको तीन बॉन्ड बनाना है। तो हमने तीन बॉन्ड बनाया CO32-, आप क्या करोगे सी डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, और ओ माइनस, जैसा कि आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, आपको ये बताया गया है कि ओ माइनस सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। मान लिया आपके पास है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी मान लो फास्फोरस ले लेते हो, तो फास्फोरस ले लेते हो या फास्फोरस से पहले आप NO3- ले लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास देखिएगा एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, देखिए NO3- का हो गया। आप देख सकते हो इस तरह से ही किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको तीन बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीन बॉन्ड पेयर में एक और करना है, कुछ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ सिंगल बॉन्ड भी, कुछ ट्रिपल बॉन्ड का तो केस नहीं आ रहा हम लोग के पास अभी, लेकिन ये इस तरह से आप सोचो, आपके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तीन सिंगल बॉन्ड बनाया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था हमने, तीन डबल बॉन्ड बनाया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों केस में एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डबल बॉन्ड का रिप्लेसमेंट होता है, हमने बता दिया ये चीज पहले, लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी जो हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर आप लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी शॉर्टकट तरीके से लिख रहे हो तो डबल बॉन्ड को आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास 2 डबल बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डबल बॉन्ड की तरह काउंट होता है, मतलब स्ट्रक्चर और शेप के लिए हम बात कर रहे हैं ये कि जब आप लुईस स्ट्रक्चर लिख रहे होगे तो आप कहीं पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसको आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। हमने ये पढ़ा है, आप पिछला क्लास को रिवाइज कर लो। तो ये हमने किया हुआ, ये हो गया। अगर हम इसी तरह से कहें आगे, मान लिया हम कहें PO3-, तो PO3- देखो क्या, फास्फोरस ओ डबल बॉन्ड और ओ माइनस। बहुत सिंपल तरीके से हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि क्यों इस तरह का केस आएगा, ठीक है, क्यों इस तरह का केस आएगा। आपके पास फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर और एक ओ माइनस के साथ, PO2Cl लिख सकते हो आप। अब हो सकता है कोई एग्जिस्ट ना करे, स्टेबल ना हो, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो स्ट्रक्चर इसी तरह का आएगा, ठीक है, ये ऑब्वियस है, ये आप समझ गए होंगे किस तरह से हम एग्जांपल को लिख रहे हैं। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं किसी एटम के पास और उसको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में लिखते जा रहे हैं, कौन डबल बॉन्ड बनाता है कौन सिंगल बॉन्ड बनाता है ये आपको पता होगा, हमने बताया होगा पिछले क्लास में कौन मोनोवैलेंट एटम है, कौन डाइवैलेंट एटम है, कौन ट्राइवैलेंट एटम है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल AB3 केस का लिख सकते हो। अब देखिए इसमें एक सवाल देते हैं आपको, एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, जिसको कि आप अच्छे समझोगे, बॉन्ड एंगल पे बेस, जो भी हमने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि इन CO Cl2 जो CL बॉन्ड एंगल है इज लेस देन 120 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री, एक्सप्लेन, इसी को एक्सप्लेन करना है। तो गौर कीजिए कि CO Cl2 का हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। CO Cl2 हैज ट्रेंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया CO Cl2 का इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या ट्रबल है, गौर कीजिएगा कि CO जो है डबल बॉन्ड है, जैसा कि आप कॉमन सेंस इतना लग रहा होगा, हमने अभी आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन का केस नहीं बताया है, लेकिन आपको कॉमन सेंस इतना लग दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड जो होगा उसका सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ऐसा है दो एटम के बीच का, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होता है ऊपर नीचे दोनों तरफ से, कुछ ऐसा होता है, मतलब अगर हम लिखना था इस तरह से सिंगल बॉन्ड ये है तो डबल बॉन्ड ऐसा होता है,
मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा जगह लेगा, ये साफ। हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे है वो डबल बॉन्ड जो होता है पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, सिंगल बॉन्ड जो हुआ ऐसे बना तो इसलिए ये हुआ, डबल बॉन्ड जो होता है पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है इसके कारण से बनता है। मतलब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिफ्यूज होगा स्पेस में, ठीक है। हाउएवर स्ट्रक्चर तो ये है, लेकिन हाउएवर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज्ड इन अ स्पेस देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिंगल बॉन्ड। However, electron cloud of double bond is more diffused in space than electron cloud of single bond. Electron cloud of single bond से electron cloud double bond का ज्यादा diffuse होगा, ठीक है। It creates more repulsion between CO double bond and CCl single bond. CO double bond और CCl single bond के बीच में repulsion ज्यादा create करेगा। Repulsion को ज्यादा repulsion को हम लोग double arrow से दे रहे हैं, double arrows अगर हम दिखा रहे हैं मतलब ज्यादा repulsion create करेगा, और जब ज्यादा repulsion create करेगा तो क्या होगा, compress हो जाएगा, दब जाएगा, तो दब जाएगा, shrink कर जाएगा, तो it creates more repulsion between CO double bond and CCl single bond. Hence, और इसलिए क्या कहोगे आप, हेंस जो आपका बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, ये जो सीसीएल बॉन्ड एंगल है वो घट जाएगा, हेंस बॉन्ड एंगल एंड हेंस बॉन्ड एंगल सीएल सीसीएल डिक्रीजेस फ्रॉम 120 डिग्री एंगल। 120 डिग्री एंगल से क्या होगा, ये घट जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो जब ज्यादा स्पेस ले रहा है तो ये ज्यादा रिपल्सन करेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ज्यादा रिपल्सन करेगा तो ये बॉन्ड रिपल्सन कम करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे फैलाएगा, थोड़ा सा इधर चलाएगा, मतलब बॉन्ड जो ऐसे वो ऐसे हो जाएगा, बॉन्ड जो ऐसे वो ऐसे हो जाएगा, इसके कारण से बॉन्ड एंगल जो होगा यहां पर क्या होगा, 120 डिग्री एंगल से कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि मल्टीपल बॉन्ड्स का वही रूल होता है जो सिंगल बॉन्ड का होता है, अगर आप शेप और स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हो। हाउएवर देयर मे बी सम इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, जो यहां पे आपने देखा, अगर तीनों सिंगल बॉन्ड होता, अगर तीनों जो है सिंगल बॉन्ड होता तो बहुत आसानी से आप कह सकते थे कि सारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंगल होता, तीनों डबल बॉन्ड होता तो 120 डिग्री एंगल होता, लेकिन एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, इससे साफ ही पता चलेगा कि जो ये जो सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल है वो कम होगा। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि मान लो PO2 Cl हमने लिखा था, तो बताइए इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, इस ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, 120 होगा, उससे कम होगा कि ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है 120 से ज्यादा होगा। आप समझ रहे होगे ये चीज कैसे हम लोग कह रहे हैं, आप ये चीज आसानी से समझ पा रहे होगे किस तरह से ये आपको बताया गया है। PO2 Cl में बॉन्ड एंगल जो होगा, PO2 Cl में बॉन्ड एंगल जो होगा डबल बॉन्ड के बीच का, वो 120 डिग्री एंगल से ज्यादा होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो ये पाई बॉन्ड है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा स्पेस ले रहा होगा, जब ज्यादा स्पेस ले रहा होगा ऐसे गौर कीजिए, ज्यादा स्पेस ले रहा होगा तो इसके बीच में ज्यादा रिपल्सन हो रहा होगा, तो ये इधर भाग रहा होगा तो ये इधर भाग रहा होगा, जिसके कारण से उन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ और जो केसेस बचा हुआ है उसको डील करेंगे।